14 अप्रैल को संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है। इस मौके पर हम आपको दिल्ली में बाबा साहब से जुड़े दो प्रेरणादायी केंद्रों के बारे में बताएंगे। क्या आप जानते हैं बाबा साहब के पंच तीर्थों में से दो बड़े स्थल देश की राजधानी दिल्ली में ही स्थित है। नरेंद्र मोदी सरकार ने 2014 के बाद डॉक्टर अंबेडकर से जुड़े प्रमुख स्थलों को उनकी स्मृति में विकसित करके उन्हें पंच तीर्थ का नाम दिया। इन पंच तीर्थों में बाबा साहब की जन्मभूमि महू मध्य प्रदेश, शिक्षा भूमि लंदन, दीक्षा भूमि नागपुर, महापरिनिर्वाण भूमि दिल्ली और चैत्य भूमि मुंबई शामिल हैं। दिल्ली में बाबा साहब को समर्पित दो बड़े केंद्र स्थित हैं जिनके बारे में हम आज आपको जानकारी देंगे। आप यह जो विशाल परिसर देख रहे हैं यह डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय स्मारक है। 21 मार्च 2016 को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाबा साहब से जुड़े इस स्मारक की आधारशिला रखी थी, जिसे उन्होंने 13 अप्रैल 2018 को राष्ट्र को समर्पित किया था। भारत के संविधान के पुस्तक की आकृति में बने इस स्मारक का भवन बेहद सुंदर है। यह तीर्थ स्थान बौद्ध वास्तुकला को ध्यान में रखकर बनाया गया है। 2 एकड़ के परिसर में फैले इस स्मारक में बाबा साहब से जुड़ी स्मृतियों को आप बिल्कुल जीवंत देख सकते हैं। दिल्ली के अलीपुर स्थित इस इलाके में बाबा साहब ने अपनी आखिरी सांस ली थी। इस स्थान को बाबा साहब की यादगार के तौर पर संरक्षित करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। डॉक्टर अंबेडकर के पंच तीर्थों में शामिल इस स्थान पर बाबा साहब के उपयोग आने वाली बहुत सी वस्तुओं को आप देख सकते हैं। इस स्मारक की सुंदरता में एक ओर संगीतमय फव्वारे 4 चांद लगाते हैं, वहीं दूसरी ओर सारनाथ का अशोक स्तंभ और बाबा साहब की 12 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा अत्यंत मनोहारी है। बाबा साहब द्वारा बिताए गए दिनों को चित्रों के माध्यम से यहाँ दर्शाया गया है। हर चित्र एक कथा की वानगी प्रस्तुत करती सी लगती है। आप दिल्ली में बाबा साहब की स्मृतियों से जुड़े इस तीर्थ स्थल को जरूर देखिए। यह स्मारक मंगलवार से शनिवार तक सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक खुला रहता है। दिल्ली में बाबा साहब को समर्पित स्थलों में दूसरा स्थान अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर का है। दिल्ली में इंडिया गेट के नज़दीक बना यह केंद्र सामाजिक और आर्थिक विषयों पर रिसर्च का भी एक महत्वपूर्ण संस्थान माना जाता है। बाबा साहब से जुड़े इस स्थल की आधारशिला अप्रैल 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी थी, जिसे दिसंबर 2017 में उन्होंने राष्ट्र को समर्पित किया। डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर लगभग 3.25 एकड़ में फैला हुआ है। इस विशाल भवन में 3 सभागार और एक बड़ा पुस्तकालय भी है। यहाँ एक प्रदर्शनी केंद्र भी है। सालों भर इस सेंटर में कार्यशालाएं और सम्मेलन आयोजित होते रहते हैं। और यह है इस सेंटर का विशाल पुस्तकालय। यहाँ का सदस्य बनकर आप भी अध्ययन के लिए यहाँ आ सकते हैं। यहाँ एक ई लाइब्रेरी भी है जहाँ दुनिया भर की किताबें आप देख व पढ़ सकते हैं। इस पुस्तकालय में 2 लाख से अधिक पुस्तकों की प्रति और 70,000 से अधिक पत्र पत्रिकाएं उपलब्ध हैं। डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल लाइब्रेरी की खास बात यह भी है कि यहाँ दृष्टिबाधित भाई बहनों के लिए एक अलग से ब्रेल अनुभाग भी बना हुआ है, जहाँ वे अध्ययन के लिए अपनी सुविधा अनुसार आ सकते हैं। इंद्रप्रस्थ विश्व संवाद केंद्र नई दिल्ली इसी तरह की जानकारी वाली वीडियो आगे भी आपके लिए लाता रहेगा। अगली बार हम किसी अन्य महापुरुष के बारे में आपको जानकारी देंगे। तब तक के लिए शुभ विदा, नमस्कार।